हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सहारण इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर से आपके सामने साइंस के टॉपिक पे। इससे पहले वाली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा कि कोशिका सेल के बारे में कि कोशिका क्या होती है, उसकी खोज किसने की थी जी, छोटी कोशिका कौन सी होती है, बड़ी कोशिका कौन सी होती है, उसके बाद में कोशिका के टाइप्स कितने होते हैं। तो इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, यानी असीम के अंदर की और ससीम के अंदर की। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि कोशिका फिर दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका और एक होती है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। उन दोनों में क्या अंतर होते हैं क्या नहीं, वो सब बातें हमने इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं जी। तो देखिए, उसी हमारे पादप और जंतु कोशिका के अंदर जो अंतर थे उसी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या कहा कि युगलीना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। युगलीना एक जंतु होते हुए भी, क्या होते हुए भी, एनिमल जंतु। युगलीना एक जंतु होते हुए भी वे भी प्रकाश संश्लेषण करता है, क्या करता है जी, प्रकाश संश्लेषण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जी, संश्लेषण करता है। युगलीना एक जो जीव है, जंतु है यानी एनिमल्स हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि जो पादप होते हैं उनके अंदर हरित लवक होता है, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि जंतुओं में हरित लवक नहीं होता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। परंतु ये एक अपवाद है, बहुत ही बड़ा अपवाद मान सकते हैं हम इसे, कि युगलीना एकमात्र ऐसा जंतु होता है जो जंतु होते हुए भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि युगलीना के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। इसी युगलीना के अंदर हम कह सकते हैं, इसी युगलीना को किसको जी, युगलीना बहुत ही, युगलीना को पादप व जंतु जगत के बीच की, किसकी, पादप व जंतु जगत के किंगडम, एनिमल एंड प्लांट किंगडम, कनेक्टिव लिंकेज ऑफ पादप व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। बीच की क्या माना जाता है, योजक कड़ी, योजक में जोड़ने वाला, योजक कड़ी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जी दोनों के दोनों युगलीना पर, कि युगलीना एक जंतु होते हुए भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है जी हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा, युगलीना को क्या कहा जाता है, पादप व जंतु जगत को जोड़ने वाला यानी योजक कड़ी, क्योंकि इसके अंदर युगलीना में कुछ गुण पादपों के होते हैं तथा कुछ करैक्टर गुण किसके होते हैं जी, हमारे जंतुओं के, इसीलिए इसको हमारे पादप व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जी। वैसे भी देखो जी, युगलीना हमारे एक जंतु है, युगलीना यानी युगम को लीन गया, युगम यानी पेयर जोड़ा, जंतु व पादप दोनों को मिला के इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, वो कौन सा होता है जी, युगलीना। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी हमारे, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखिए जी, हमारे युगलीना एक जंतु होते हुए भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी, पादप व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कौन सी होती है जी, ये युगलीना होती है। कोशिका के बाद में देखें तो कोशिकांग, कौन से, सेल ऑर्गन, इसी कोशिका का आगे का हमारा पॉइंट कौन सा, कोशिकांग यानी सेल के ऑर्गन, सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन्स हमारे कोशिका यानी जो कोशिका के अंग होते हैं हमारे, वो क्या कहलाएंगे, कोशिकांग कहलाएंगे। देखिए बेसिक से चलते हैं, डीप से डीप लेके चलेंगे, बेसिक से हम जाएंगे। कोशिकांग में देखा जाए तो सबसे पहला, अगर कोशिकांग देखा जाए तो हमारा सबसे बाहर होती है जी हमारे प्लाज्मा, सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति, क्या होती है बच्चों, कोशिका भित्ति, सबसे बाहर कौन सी होती है, कोशिका। हालांकि जंतुओं के अंदर तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, परंतु पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती, इसलिए सबसे, हम चलेंगे सबसे बाहर से लेके कहाँ जाएंगे, हम अंदर की तरफ जाएंगे, सेंटर में जो न्यूक्लियस है वहां तक जाएंगे, उससे पहले बाहर से। तो सबसे बाहर कौन सी होती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सी डब्ल्यू।
अब बेसिक क्वेश्चन सबसे पहला इस कोशिका भित्ति पे में ही आएगा, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी जी? खोज का क्वेश्चन आना ही आना होता है जी हमारे, कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की? तो कोशिका भित्ति की खोज की थी जी रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज की कोशिका भित्ति की? कोशिका भित्ति की खोज किसने की बच्चों? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इससे पहले भी हम पढ़ के किसकी खोज की थी? कोशिका की। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका भित्ति की भी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ये जो कोशिका भित्ति होती है, देखिए छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में बहुत ही आसान हो जाते हैं। कोशिका भित्ति ये मर्त कोशिका से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? मर्त कोशिका से मिलकर बनी होती है जी, से मिलकर बनी होती है। वैसे भी हमने पहले भी पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, क्या पढ़ के आए हैं कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मर्त कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मर्त कोशिका की, डेड सेल की। तो कोशिका भित्ति भी कैसी होती है जी हमारी? मर्त प्रकार की। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। कैसी होती है जी? पारगम्य, परमिएबल होती है जी हमारी। अब पारगम्य का अर्थ क्या होता है जी? यानी ये कोशिका भित्ति और इसके साथ ये कोशिका भित्ति, ये होती है पारगम्य। यानी इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, यहाँ से यहाँ कोई भोज्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाए तो वो क्या कहलाती है? पारगम्य परमिएबल होती है जी। वैसे भी खुद नाम बता रहे हैं, पारगम्य परमिएबल। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। यानी जिस कोशिका के आर पार, खुद नाम बता रहे, जिस कोशिका के आर पार कुछ भी गमन कर जाए वो क्या कहलाता है? पारगम्य कहलाती है। खुद नाम बता रहे, पारगम्य, जो पार कर जाए, गमन कर जाए वो क्या कहलाएगी? पारगम्य। वैसे भी देखो मर्त प्रकार की है, किसी को रोकने वाली नहीं है, क्योंकि है किसी मर्त, मर्त किसी को क्यों रोकेगा, तो इसलिए क्या होती है जी? पारगम्य। अगर हमसे इसी कोशिका भित्ति बनी किस किससे होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है जी सेलुलोज से। किससे बनी होती है जी? सेलुलोज। देखो बच्चों सेलुलोज को सेलुलोज भी कहा जाता है, सेल्यूलोज भी लिखा जाता है, दोनों ही वर्ड सही है हमारे लिए। चाहे सेलुलोज लिखो इसे, चाहे सेल्यूलोज लिखो, सेल्यूलोज बात एक ही है। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज। इसके अलावा भी होती है हमारी कौन सी, इसमें पैक्टिन होती है जी। क्या होती है बच्चों? पैक्टिन। इसके अलावा होता है इसमें लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। सुबेरिन, काइटिन बहुत सारे आते हैं, परंतु हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतने ही बहुत है। जैसे सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, लिखने को हम कितने भी लिख सकते हैं, काइटिन, सुबेरिन, ये सारे के सारे इसी के अंदर होते हैं जी। इन सभी से मिलकर क्या बनी होती है? कोशिका भित्ति। जैसे देखो कोशिका भित्ति का डायग्राम देखा जाए तो हमें ये पादप की एक कोशिका, इसके साथ ये दूसरी कोशिका, इसके साथ ये तीसरी कोशिका, यानी कोशिकाओं की कोई लिमिट नहीं होती कि कितनी संख्या होती है, अनगिनत कोशिकाएं होती है। तो ये इस तरीके से हमारी कोशिका। अब हम एक एक पे बात, इस सेलुलोज का क्या यूज होता है जी हमारा? तो सेलुलोज के बारे में कहा, इसी सेलुलोज के बारे में देखो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति के अंदर सेलुलोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है जी हमारा? तो सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है जी। किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। किसका बहुलक? ग्लूकोज का बहुलक, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है सभी को पता है, शुगर जो चीनी होती है वो एक तरीके क्या होती है? ग्लूकोज ही होती है जी हमारी। उसका बहुलक यानी ग्लूकोज के जब बहुत सारे अणु जुड़ते चले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? सेल्यूलोज। ग्लूकोज के जब 10 से लाखों अणु जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बनेगा? सेल्यूलोज। बहुलक देखो नाम क्या है? बहुलक। जिसका लक बहुत बार काम करे वो क्या कहलाएगा? बहुलक। आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से विद्यार्थी हैं जिनका लक बहुत बार काम करता है, और हम फिर उनको सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए हम कह देते हैं कि उसका तो लक काम करता था। बहुत सारे मैंने अपने जिंदगी में उदाहरण देखे हैं कि वो थर्ड ग्रेड भी लगते हैं, सेकंड ग्रेड भी पेपर पास होता है, फर्स्ट ग्रेड भी लगते हैं, फिर आरएएस आईएएस तक चले जाते हैं, और हम जिससे बातें क्या बनाते हैं कि भाई उसका तो लक काम करता था। लक करेगा क्योंकि उसने क्या की है? मेहनत की है तभी लक काम करे। जिसका लक बहुत बार काम करे यानी बार बार जुड़ती चली जाए तो वो क्या कहलाता है? बहुलक, पॉलीमर्स कहलाते हैं जी हमारे। तो ग्लूकोज का क्या होता है जी? ये बहुलक।
इसी सेलुलोज के बारे में कहा जाता है कि कॉटन में, किसमें, कॉटन में, कॉटन तो सभी समझते हो कपास, कॉटन में कितना होता है जी, लगभग 95% क्या होता है जी, सेलुलोज होता है। क्या होता है सेलुलोज, किसमें, कॉटन में लगभग 95% क्या पाया जाता है जी, सेलुलोज पाया जाता है जी हमारे। तो ये हमारे सेलुलोज। इसके बाद में देखिए जी हमारा सेलुलोज पैक्टिन, पैक्टिन भी बहुत है, पैक्टिन भी एक हमारा केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, पदार्थ होते हैं। इस पैक्टिन के बारे में इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, देखिए क्या हमारी पैक्टिन। अब इस पैक्टिन का क्या काम होता है जी हमारा, ये जो कोशिका भित्ति बनी हुई है सबसे बाहर, ये किसकी, सेलुलोज पैक्टिन लिग्निन सुबेरिन सभी से मिल गई। तो पैक्टिन का काम क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना है, पैक्टिन का काम होता है दो कोशिका भित्तियों को, पास पास की दो कोशिका भित्तियों को, सेल वॉल जो होती है कोशिका भित्तियां, कोशिका भित्तियों को जोड़े रखने का काम होता है जी, जोड़ने का कार्य इसी का होता है जी। जोड़ने का क्या होता है बच्चों, इनका कार्य किसका होता है, इसी का होता है कि दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, इसी हमारे पैक्टिन के द्वारा। मैं जोड़ने को लिख सकते हैं पैक करने का, क्या काम करता है जी, कि दो कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, पैक्टिन के द्वारा। वैसे भी खुद वर्ड बोल रहे हैं, हमें जोड़ने की बजाय क्या लिखेंगे, पैक करना, कि दो कोशिका भित्तियों को पैक पैक करने का काम किसका होता है, पैक्टिन। अरे पैक करने का काम किसका होता है, पैक्टिन का। पैक्टिन का काम क्या होता है, पैक करने का। आपको और मेरे को पैक नहीं करना, किसको करना है, कोशिका भित्तियों को पैक करना है। तो इन कोशिका भित्तियों को जोड़ने का, पैक करने का काम है। इसी पैक्टिन के बारे में कहा जाता है पके हुए फल, कौन से पके हुए फल मुलायम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं जी, मुलायम हो जाते हैं। क्यों, कारण क्या है, मुलायम हो जाते हैं किस कारण से, पैक्टिन के घुलने से, किसके कारण से, पैक्टिन के घुलने से। ये लो जी, जब तक फल कच्चे होते हैं तब तक ये पैक्टिन इनके अंदर, इधर देखिए ये दो कोशिका भित्तियों के बीच में जगह इसीलिए छोड़ी है क्योंकि कोशिका भित्तियां बिल्कुल पास नहीं होती, इनके बीच में ये इस तरीके का हमारा पैक्टिन, ये लो जी। अब ये कोशिका भित्ति आपस में क्या कर दी इन्होंने, इसने पैक कर दी जी। तो कोशिका भित्तियों को पैक करने का, जोड़े रखने का काम किसका, पैक्टिन का। परंतु जैसे जैसे फल पकता है उसमें हार्मोनल एक्सचेंज होते हैं जी, हार्मोनल परिवर्तन होता है, और हार्मोनल परिवर्तन के कारण से धीरे धीरे ये जो पैक्टिन होता है ये क्या होता है जी, यहाँ से घुलने लग जाता है। अब पैक्टिन घुलेगा तो दो कोशिका भित्तियों के बीच में क्या बढ़ता चला जाएगा, स्पेस बढ़ता चला जाएगा, स्थान बढ़ता चला जाएगा, और जो ये स्थान रह जाता है, अब अगर इस फल को दबाएंगे तो कोशिका भित्तियां पास पास आएगी और उसी कारण से पके हुए फल कैसे दिखाई देंगे हमें, मुलायम होते हैं। तो कोशिका भित्तियों को पैक करने का काम भी किसका, पैक्टिन का, लेकिन पकने के बाद उसको मुलायम करने का काम भी किसका होता है जी, इसी पैक्टिन का होता है जी। इसी पैक्टिन को कहा जाता है जी कि पादपों में, किसमें जी, पादपों में, क्योंकि कोशिका भित्ति पाई किसमें जाती है, पादपों में, पादपों में सीमेंट की तरह कार्य करने वाला, किसकी तरह कार्य करने वाला, सीमेंट की तरह कार्य करने वाला पदार्थ, सीमेंट की तरह कार्य करने वाला पदार्थ कौन सा होता है जी, कार्य करने वाला पदार्थ किसकी तरह, सीमेंट। बच्चों सीमेंट तो देखी होगी, ये जो दीवारें बनाते हैं इनके अंदर जो ईंटें होती है वो क्या है, कोशिका, परंतु उन्हीं कोशिकाओं को जोड़ने का काम भी तो कोई करता है, ये ईंटों को जोड़ने का काम कौन करता है, सीमेंट। तो यहाँ कोशिका भित्तियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था, ये पैक्टिन। इसलिए कोशिका भित्तियों को पैक करने का काम पैक्टिन का होता है, इसीलिए ये पैक्टिन क्या कहलाती है, कि पादपों में सीमेंट की तरह कार्य करना, उनको जोड़े रखने का, सीमेंट का काम किसका होता है, पैक्टिन का। इन्हीं दीवारों पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इनमें भी परिवर्तन होगा, 20-50 साल बाद में धीरे धीरे इनके अंदर से भी सीमेंट जो होती है वो बाहर निकलती है और दीवारें हमारी मुलायम हो जाती है। वैसे ही पके हुए फल कैसे हो जाते हैं, मुलायम। तो पैक्टिन पे दो शानदार क्वेश्चन, पके हुए फल मुलायम होने का कारण पैक्टिन का घुलना, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम पैक्टेट होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं, बस वो घुलने लग जाते हैं उसी कारण से ये मुलायम हो जाते हैं।
इसी तरीके से पादपों में सीमेंट की तरह कार्य करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? पेक्टिन होता है। आगे देखिए लिग्निन हमारा, कौन सा? लिग्निन। तो लिग्निन का काम क्या होता है? ये पादपों में यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। पादपों को क्या देता है जी? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है जी, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। अब यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, अब यांत्रिक सामर्थ्य क्या होती है वो देखिए जी। मेरे हमें यांत्रिक सामर्थ्य नहीं समझ में आए कि यांत्रिक सामर्थ्य मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि ये पादपों की टहनियों और पत्तियों को क्या करता है जी? लचीलापन प्रदान करता है। क्या करता है जी? लचीलापन प्रदान करता है। देखिए बच्चों, हमारा ये राजस्थान है और यहाँ गर्मियों में सबसे ज्यादा आंधी आती है जी हमारे, तो बहुत ज्यादा आंधियां आती रहती है और खास करके गंगानगर में तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां आती रहती है। तो यहाँ के देखिए पेड़ पौधे जो है उनकी टहनियां पत्तियां देखी होगी कि ये बड़ा सारा जो पेड़ होता है हमारा, इस बड़े सारे पेड़ की ये टहनियां पतली और इनके बाद में ये पत्तियां जो होती है बिल्कुल पतली पतली सी होती है। अब तेज हवाएं आती हैं लेकिन उन तेज हवाओं के कारण से भी सारी टहनियां और पत्तियां टूट के नहीं गिरती, वो पादपों के साथ लगी रहेगी, यहां से यहां तक चली जाएगी, वापस इस तरीके से एक झूले के रूप में वो झूलती रहती है लेकिन टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? लिग्निन होता है। तो देखो खुद नाम बता रहे, लिग्निन टहनियों और पत्तियों को पादपों के साथ लगाए रखने का काम करता है। खुद नाम बताएगा, लिग्निन टहनियों और पत्तियों को पादपों के साथ लगाए रखने का, लिग्निन का काम लगाए रखने का होता है, पेक्टिन का काम पैक करने का होता है। तो यहां तक समझ में। काइटिन, ये काइटिन भी हमारे, तो देखो काइटिन के बारे में एक इम्पोर्टेंट है, ये पादपों में तो कम पाया जाता है लेकिन एक हमारे कवक, नाम तो सुना होगा, कवक यानी फंजाई कहते हैं। देखिए क्या किसी ने फंजाई कवक सभी ने देखी है, अरे वो ही जो अचार पे वाइट कलर की जो आ जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, फंजाई कहते हैं, फफूंद कह देते हैं। अचार हो चाहे हमारी ब्रेड हो, उन पे वाइट कलर की जो एक लेयर आ जाती है, अगर किसी ने नहीं देखी तो अचार को, ब्रेड को बाहर ठंडी छांव में रख देना, दो तीन दिन बाद में देखना उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर, वो क्या होते हैं? कवक होते हैं। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी? कवकों की कोशिका भित्ति किसके मिलकर? कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है जी? काइटिन से मिलकर बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारा कि हमें कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनती है, तो खुद नाम बता रहा है, फिर कह रहा हूँ बस बदल पढ़ने के तरीके बदल लीजिए। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। एसएससी में दो तीन बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अब हमारे राजस्थान के एग्जामों में भी संभावनाएं रहती है इस क्वेश्चन को। तो देखो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। खुद नाम बता रहे कैसे कवकों की, कैसे कोशिका भित्ति, कैसे काइटिन की बनी होती है, बता रहा है कि नहीं बता रहा बच्चों? कैसे कवकों की, कैसे कोशिका भित्ति, कैसे काइटिन। तो कह के ही तो याद रखना है, कैसे कवकों की, कैसे कोशिका भित्ति, कैसे काइटिन की बनी होती है जी हमारी। ये सुबेरिन भी है, इन पादपों के अंदर कोशिका भित्तियों में पाए जाते हैं। तो देखिए कोशिका भित्ति सेल वॉल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी जी, वही रॉबर्ट हुक जिसने कोशिका की खोज की थी। कोशिका भित्ति मर्त कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने खोज किसकी की थी? मर्त कोशिकाओं की थी जी हमारी। कोशिका भित्ति अगर देखा जाए तो ये होती है पारगम्य, यानी जिसके आर पार कुछ भी गमन कर जाए वो क्या कहलाएगी? पारगम्य कहलाए। आर पार गमन कर जाए क्या कहलाएगी? पारगम्य। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन, इन सभी से हमारी मिलकर बनी होती है। सेलुलोज जो कि ग्लूकोज का बहुलक होता है जी हमारा, इसी सेलुलोज के बारे में कहा जाता है जी, इसी सेलुलोज कि सेलुलोज का मनुष्य पाचन नहीं कर सकता। सेलुलोज का क्या नहीं कर सकता? मनुष्य पाचन नहीं कर सकता, पाचन नहीं कर सकता।
हमारे अंदर इस सेलुलोज का पाचन नहीं होता। इसी कारण से कहा जाता है इसी सेलुलोज के बारे में कि इस पृथ्वी पटल पर, किस पर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पदार्थ, सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा बच्चों? कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यही है जी हमारा, कौन सा? कार्बनिक। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन परमाणु शामिल होते हैं, यानी जो कार्बन परमाणु शामिल होकर मिलते हैं वो कौन से कहलाते हैं? सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ। ये केमिस्ट्री की बातें हैं कि कार्बन क्या होता है, क्या नहीं, केमिस्ट्री के अंदर सारी की सारी ये बातें डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी पटल पर सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? सेलुलोज। अब वैसे भी सोचने वाली बात है, इस सेलुलोज की क्या मजाल की ये सबसे ज्यादा हो जाए? परंतु समस्या है हमारे अंदर, हम होने तो नहीं दे इसे, लेकिन हमारे अंदर समस्या है कि जब हम इसका पाचन ही नहीं कर सकते तो अपने भले ही कितना ही हो, अगर हम इसका पाचन कर लें तो इसकी क्या औकात की पृथ्वी पे सबसे ज्यादा हो जाए? संभव ही नहीं है। हम छोड़ते नहीं है पड़ोसियों के मतीरे, ककड़ी नहीं छोड़ते, तो ये सेलुलोज तो चीज ही क्या है इसलिए। लेकिन हमारे समस्या है कि हम इसका पाचन, जब पाचन ही नहीं कर सकते तो इसका हम करेंगे क्या? इसलिए पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन हम इसका पाचन नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों।